सभी साथियों को जय भीम जय बोल निवासी। आज जो हम मध्य प्रदेश में इकट्ठा हुए हैं छत्रपति साहू जी की जयंती के प्रोग्राम में, मैं इससे पहले सीधी गया था, सीधी के बाद शहडोल, और इन दोनों जगह पे पहुंचने के बाद मुझे ये लगा कि अब भारत में मूल निवासियों की सरकार बनने जा रही है। अब जब भारत में मूल निवासी की सरकार बनने जा रही है तो इसके अंदर जो सबसे बड़ा जो रोड़ा है वो अब मनुवादी व्यवस्था इसमें अड़ाएगी। वो क्या है? वो ये है कि जब हम अपना फार्म भरेंगे उस फार्म को कैंसिल करने का, हमें जब राजनीति में सबसे पहला जो काम है अपना जो फार्म होगा इलेक्शन का वो सही ढंग से भरा हुआ होना चाहिए, और उसके लिए हमें पहले से अपनी तैयारी करनी चाहिए। क्योंकि अब ये तो पक्का है कि हम सीधी में, शहडोल में, मध्य प्रदेश और राजस्थान के अंदर इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, तो जो भी कैंडिडेट हैं वो कैंडिडेट जो इसकी इलेक्शन चुनाव लड़ने की औपचारिकता सारी पूरी करके रख लें, और हर एक कैंडिडेट कम से कम अपने 15 या 20 प्रपोजल तैयार करके रखे, उनकी वोटर जो सर्टिफाइड कॉपी ऑफ वोटर है वो रखे, साथ में अपने रखे, नया अकाउंट खुलवाना पड़ेगा क्योंकि लास्ट मिनट में अगर भागते हैं तो पता चलता है कि बहुत सारे साथी चुनाव का फॉर्म भरने से रह जाते हैं, या और किसी कारण से उसके अंदर दिक्कतों के कारण फार्म नहीं भर पाते हैं और हमारी वो सीट खाली हो जाती है। हमें जब चुनाव में उतरने की तैयारी कर ली है तो अपने पास जितनी भी ये इंफॉर्मेशन है अपने पास इकट्ठी कर लें और उसके अनुसार अपनी पूरी तैयारी करके रखें। अपना कैंडिडेट के साथ में एक कवरिंग कैंडिडेट की भी औपचारिकताएं पूरी करके रखें। जब हम ये सब सारी औपचारिकताएं पूरी करके रख लेंगे तो हम ये चुनाव के इस समुद्र में उतर जाएंगे और यहां से विजयी होके पीपीआईडी की सरकार बनाएंगे। जय भीम जय बोल निवास। एमएनटी न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करना ना भूले, साथ ही बेल आइकॉन दबाकर जन जागृति की मुहिम में जुड़े रहें।